गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलते हैं अंदर, कुछ शॉपिंग करते हैं। अभी हम आए हुए हैं विजेता सुपरमार्केट, जो कि हैदराबाद का बहुत ही फेमस सुपरमार्केट है। और डेकोरेशन देख के आप समझ ही सकते हैं कि दिवाली सेलिब्रेशन चालू हो गई है यहाँ पे। और चल के अंदर देखते हैं कि क्या क्या कुछ नया सामान आया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम तो अक्सर ही यहाँ आते रहते हैं, लेकिन दिवाली के टाइम शायद कुछ नया स्टॉक आया हो, कुछ बढ़िया चीज़ें देखने को मिले। ये सब तो एज़ यूजुअल मेकअप प्रोडक्ट्स, और ये कलरिंग प्रोडक्ट्स। ओ, ये यहाँ पे कुछ नया आया है, दिए वगैरह दिखाई दे रहे हैं। 65 रुपीज़, काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे हैं, बट लग अच्छे रहे। ऑफ़र यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं दोस्तों, बाय वन गेट वन। मैंने सोचा था शायद जब स्टार्ट हो रहा है तभी यह ऑफ़र दे रहे हैं, बट अब तो काफ़ी टाइम से जो है ये वाला इनका सुपर स्टोर चल रहा है। ये डीमार्ट का अच्छा सब्स्टिट्यूट है वैसे ना, डीमार्ट को टक्कर दे रहा है बिल्कुल, और घर के पास है, और मतलब थोड़ा लोकेलिटीज़ की अच्छी है, क्योंकि अपार्टमेंट्स के अगल बगल ही है। डीमार्ट के लिए लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो उस हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छी टैक्टिक्स लगाई है। और उस रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत होता है, ये सब तो क्या अनहेल्दी सेक्शन में आ गए हम लोग। पता नहीं ये हेल्दी होता है कि नहीं, यहाँ पे भी बाय वन गेट वन, और सी फूड सेक्शन यहाँ पे भी लग रहा है कोई ऑफर है आज। शार्क 550 रुपीज़ केजी, याक शार्क भी मिलने लगी इंडिया में, क्या पता टेस्टी होती हो। ये भगवान, ये इन्होंने सही जगह पे एयर फ्रेशनर रखा हुआ है जहाँ सबसे ज़्यादा बदबू आ रही है। हालांकि मटन सेक्शन भी इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है, उतना बाकी सुपरमार्केट जैसी स्मेल नहीं आती यहाँ पे। शायद इन्होंने जो एक्स्ट्रा डोर लगा रखा है उसकी वजह से, बट देखिए ज़रा इसको कितना सुंदर बना रखा है। नॉनवेज सेक्शन भी, वो अलग से एक सुपरमार्केट लग रहा है अंदर। काफ़ी भीड़ है अभी, क्योंकि शायद दिवाली टाइम आ रहा है, क्योंकि आज वीकडे है और बहुत सारे ऑफर हैं, इतनी भीड़ है आज। हमने सोचा था कि ऐसा दिन चूज़ करके चलें जब खाली हो और हम आराम से आपको अच्छे से टूर करा सकें, बट ये बाय वन गेट वन देख रहे हैं आप कितने सारे हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट हर सेक्शन में ही बाय वन गेट वन का दिख जाता है ना। हैदराबाद में जो सबसे एक्सपेंसिव सुपरमार्केट मुझे लगा रत्नदीप है, और विजेता को शायद 2 साल पहले कोई जानता भी नहीं था यहाँ पे। हाँ। अचानक से इसका जो है एंट्री हुई है और काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड किया इसने, मतलब हमारे एरिया में ही 3-4 विजेता खुल गए विद इन द रेंज ऑफ 2 किलोमीटर्स, और ये वाला तो क्या सबसे बड़ा है। और वेजिटेबल्स वगैरह भी काफ़ी सही रहते हैं इसके। एक्चुअली ये मेंशन भी करते हैं कि ये मंडी रेट पे दे रहे हैं, कई इस वेजिटेबल्स पे मेंशन रहता है मंडी और उसका प्राइस रहता है, तो ये चीज़। यहाँ पे इस सीटिंग एरिया भी है बैठ के खाने के लिए काफ़ी अच्छा, और आगे चल के स्वीट्स भी मिल रहे हैं। यहाँ से हम स्वीट्स ले गए थे एक बार, काफ़ी अच्छे थे। इनका बेकरी वाला भी सेक्शन ट्राई करेंगे किसी दिन। यहाँ पे इन्होंने दिए भी सजा रखे हैं, और ये एक्चुअली मैंने पिछली बार पूछा भी था इनसे, तो ये सारे ही फ्रेश रहते हैं। मुझे लगा शायद कुछ दिन स्टोर करने वाले, जैसे नॉर्मल मिठाई शॉप पे नहीं होते वैसे हों, बट इन्होंने कहा कि डेली फ्रेश बन के आता है। तो अगर मन कर गया मिठाई खाने, मिठाई अभी दिवाली के टाइम तो लेनी पड़ेगी, बट मिठाई के लिए हम यहाँ से नहीं, और अच्छी स्वीट शॉप्स हैं वहाँ से मिठाई लेंगे यार। यहाँ पे कभी इन्होंने काफ़ी दिमाग लगाया है कि कभी आदमी शॉपिंग करते करते भूखा हो तो यहाँ पे बैठ के छोटे मोटे स्नैक्स खा सकते हैं। ये है बेकरी सेक्शन, क्या क्या मिल रहा है, पेस्ट्रीज हैं, बर्गर वगैरह, रेट भी सही है काफ़ी, काफ़ी रीजनेबल है, मतलब कंपेयरिंग टू अदर बेकरीज काफ़ी सही रेट पे है। और ठीक ठीक से लग रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, बट हाँ शॉपिंग करते करते भूख लग जाए तो खाने के लिए अच्छा ऑप्शन है।
फिर से हम घूम फिर के मटन के आसपास ही आ जा रहे हैं। उसके अंदर भी हमें जाना चाहिए लग रहा है। उसके अंदर अभी जाने की हिम्मत नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी बिल्कुल नॉनवेज का कोई मूड नहीं है। आगे चलते हैं, हमारा फेवरेट सेक्शन आने वाला है। आजकल लोग काफ़ी खोद खोद के इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं सामान लेने से पहले। हमने भी ये सीख लिया कि पहले कुछ भी आप लें तो उसके पहले उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करें। ये आइसक्रीम का सेक्शन काफ़ी सारा स्प्रेड रहता है आइसक्रीम का। ये भी अनहेल्दी फ्रोजन वेजिटेबल्स, इनके इवन डेयरी सेक्शन में भी काफ़ी ऑफर्स रहते हैं, पता नहीं आज हैं कि नहीं। पनीर पे, चीज़ बटर पे भी ऑफर्स रहते हैं। इधर वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, यहाँ डोसा बैटर, इधर वेजिटेबल्स वगैरह हैं। फ्रूट्स के ऑप्शन कम ही दिखते हैं बट ठीक ठाक हैं। ये ब्रेड्स का सेक्शन, एग वगैरह इधर मिल जाता है, अलग अलग टाइप की ब्रेड्स। और एग में बहुत वैरायटी है, मतलब आपको महंगे से महंगा एग भी मिल जाएगा या सस्ते से सस्ता एग भी मिल जाएगा, तो इन्होंने काफ़ी वैरायटी रखी हुई है। ये सारा खाने का डेली का दाल चावल टाइप की चीज़ें। और हम लोग बेसिकली तो आए थे आटा लेने, क्योंकि आटा ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म हो गया और यहाँ पे आटे में भारी डिस्काउंट रहता है। यहाँ पे शूज़ भी मिलते हैं। शूज़ तो पता नहीं कैसे होंगे आगे, बट आप लोग को टूर कराने के बाद हम अपनी प्रॉपर शॉपिंग शुरू करेंगे। ये शूज़ वगैरह का तो पता नहीं कैसे होते हैं यहाँ पे। ऐसे तो डी मार्ट में भी इस कपड़े शूज़ सब मिलते हैं। काफ़ी कुछ उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने शायद बनाया। मिल्टन देख के बचपन याद आ गया। ये टॉयज़ वॉयज का सेक्शन है, थोड़े बहुत टॉयज़ मिल जाएंगे बच्चों के लिए यहाँ पे। काफ़ी बड़ा बनाया है, काफ़ी मतलब स्पेस है और इतने सारे काउंटर्स बनाए। हालांकि मैक्सिमम टाइम आधे काउंटर्स पे कोई रहता नहीं, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया लॉजिक, फिर इतने काउंटर बनाए क्यों इन्होंने। भीड़ होती होगी तो जाते होंगे। ये डोर मैट्स वगैरह हैं थोड़े बहुत, बाकी ये भी प्लास्टिक सेक्शन है, बकेट वगैरह लेनी हो तो। इधर थोड़ी बहुत क्रॉकरी भी दिख रही है स्टील की स्पेशली। हाँ ये भी पूरा क्रॉकरी का सेक्शन है, छोटे मोटे आइटम, नाइफ वगैरह, प्लेट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। इधर मसाले लग रहे हैं, हाँ मसालों का सेक्शन है ये। एक दिन यहाँ से कुछ रेडी टू ईट लेके जाना है, फिर ट्राई करना है कैसा लगता है। मैंने कभी MTR वगैरह खाया नहीं आज तक। अगर आप लोगों ने किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हो तो हमें बताना कौन सा लें हम, क्योंकि संडे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ना बाहर से ऑर्डर करो तो 2 घंटे लगते हैं ऑर्डर आने में आजकल स्विगी की, अगर हल्की सी भी बारिश हो जाए तो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।